हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम. आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ एंड दिस इज लाइक द फर्स्ट बिग रोड ट्रिप दो बच्चों के साथ, क्योंकि इससे पहले फ्लाइट्स में हम गए हुए हैं, बट दिस इज़ मोर लाइक यहाँ से लखनऊ कार में ही जा रहे हैं. एंड एक तरह से अच्छा है क्योंकि हम चार पांच लोग ही है, तो मेरा को अगर रोती भी है ये भी है तो आजू बाजू के लोगों को डिस्टर्ब होने का स्ट्रेस नहीं है. प्लस लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, कोविड वोविड का बहुत बुरा हाल हो रखा है, 3-3.5 लाख केसेस आ रहे हैं दिन के, तो वो वाला रिस्क भी नहीं है क्योंकि हम लोग कार में जा रहे हैं. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि दो बच्चे एंड मम्मी, यानी मेरी मदर इन लॉ हु इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली 70+, सो तीन हाई रिस्क कैंडिडेट्स है. सो कार में होपफुली वी वोंट फेस एनी इश्यूज़, कोई एक्सपोजर नहीं होगा किसी के साथ. बट एट द सेम टाइम कार में बच्चे के साथ जाने का प्रॉब्लम ये होता है कि फिर चलने फिरने का, मूवमेंट करने का बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है और बच्चों को एक जगह बैठ के बहुत बोर होता है. सो मीरा के साथ तो ये बहुत ही होता है, शी वॉन्ट्स के लेके लोग घूमते रहे उसको, एंड या तो वो प्ले जिम में खेलती रहे एंड थिंग्स लाइक दैट. सो 6-7 घंटे कार में बैठे रहने का कैसे होगा वो वी डोंट नो, सो दैट्स गोइंग टू बी अ न्यू थिंग. एंड या कुछ हम लोग अवॉइड करना चाह रहे थे इस ड्यूरेशन में ट्रैवलिंग, बट देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से हमको जाना है. आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर. अभी अगर आप देखोगे तो घर की हालत ये हो रखी है, बहुत सारी पैकिंग बची हुई है, ख़त्म ही नहीं हो रही है पैकिंग. यानी दो बच्चों के साथ की पैकिंग इज़ लाइक अ पेन. यानी मैं अपना तो कुछ सामान ले ही नहीं रही हूँ लिटरली, और खाने का बहुत सारा सामान ले रहे हैं क्योंकि रास्ते में हम कहीं रुकना नहीं चाह रहे, एज इन बाहर से कुछ नहीं खाना चाह रहे. सो वी आर टेकिंग सामान ताकि रास्ते में खा सके. लेट मी शो यू दैट. तो हम ले जा रहे हैं हर सफ़र का साथी, यानी कि आलू की सूखी सब्जी, और इसके साथ हम ले जा रहे हैं कुछ सत्तू की कचौड़ियाँ. कुछ लोग इसे लिट्टी भी कहते हैं, ये वो लिट्टी चोखा वाली लिट्टी नहीं है, बट इट्स बेसिकली कचौड़ी टाइप जिसके अंदर सत्तू का फिलिंग है, बहुत टेस्टी होती है. और साथ में कुछ पूड़ियाँ, और बच्चे हैं तो ऑब्वियसली फ्रूट्स, नट्स, ये सारी चीज़. Why have we stopped then, Papa? You want to go to the washroom or not? No, I don't. Broken dreams seldom get realized. For me, you were a part of life that escaped the left. हेलो हेलो, गेस व्हाट, वी आर बैक इन नोएडा. आई नो मैंने ये व्लॉग शुरू किया था लखनऊ की ट्रिप को व्लॉग करने के लिए, एंड इट्स नॉट दैट वी जस्ट केम बैक, हम लोग ऑलमोस्ट एक हफ्ता रुक के वहाँ आए हैं. एंड मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग करूँगी बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम अपने कज़िन से मिलने वाली है, फर्स्ट उसकी रोड ट्रिप इतनी लंबी है, सो आई वॉन्टेड टू काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इट. पर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मौका ही नहीं मिला व्लॉग करने का. We had gone there for my father-in-law and brother-in-law's bursary. अगर आप लोग मुझे follow कर रहे हो काफ़ी time से तो you would know कि last year around this time they passed away. तो उनकी बरसी थी, तो काफ़ी सारे relatives and all of that, so I could not vlog, which is fine. So yeah, anyways, now we are back here. And in other news, Meera has started sitting unsupported. यानी पहले वो बैठती थी 10-15 सेकेंड के लिए without support, फिर धड़ाम से गिर जाती थी. Now she has started sitting properly, यानी आराम से 10-15 मिनट, 20 मिनट भी बैठ लेती है. बेटा डोंट अट्रैक्ट हर टू मैग्नेटाइज, दे आर वेरी शार्प फॉर हर, अभी वो छोटू है. कैसे मैं ये ब्लॉग ड्रॉप करने का सोच रही थी, लेकिन वन ऑफ द अदर रीजंस जिसकी वजह से आई थॉट के लेट मी कंटिन्यू इज द फैक्ट कि ये जो हमारी कार है, जो आपने भी बहुत सारे ब्लॉग्स में देखी होगी, दिस वाज आवर लास्ट ट्रिप इन दैट कार. हम लोग को अब बेचनी है वो कार, मन तो नहीं है बट वी हैव टू, इनफैक्ट आज ही लेने आने वाला है वो एजेंसी वाला कार. सो दिस वाज लाइक आवर लास्ट ट्रिप इन दैट कार.
बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज है, मैं बहुत अटैच हो जाती हूँ चीज़ों से. सो 8 साल, सो इट वॉज जस्ट मी एंड निशित एंड देन अथर्व केम एंड देन मीरा केम, सो वी हैड अ लॉट ऑफ मेमोरीज इन दैट कार. सो या ये उसी की मेमोरी हो जाएगी. एंड नाउ दैट वी आर बैक, हम लोग अथर्व के साथ भी वापस एक रूटीन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. लास्ट 8-10 दिन से हमने कुछ भी नहीं किया, यानी स्कूल भी काफ़ी मिस की थी उसने इन दिस ड्यूरेशन. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सम एक्टिविटीज़. मुझे टाइम नहीं मिला है कोई भी प्रिपरेशन करने का, क्योंकि हम लोग कल रात को ही वापस आए. बट आई हैव सम बेसिक मटीरियल जिसको लेके मैं बैठूंगी आज उसके साथ. सो नाउ दैट वी आर व्लॉगिंग, लेट मी शो यू दैट. I only found 3 of them. Look carefully then. Where is the other stripy flag? Which 3 did you find? 1? 2. Hmm. And 3. I can already see 2 more. 4. 5. Very good. Are we done with this page? चलो इसको बंद करो फिर, अगर हो गया है तो. Let's keep going. नहीं, अब नेक्स्ट एक्टिविटी करो, बाद में ये करना फिर से, और एक पेज करना मन करे तो, ठीक है? But next we are going to do some reading. नहीं, यही पेज पे करना है. करेंगे बेटा, जब मैं क्यूटू को फीड करना चाहूंगी तब आप दूसरा एक पेज करना. ओके, वी आर गोइंग टू रीड दिस 4 sentences. ओके. Now next पढ़ो. क्या लिखा है? अ फैट हैन. फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लावर्स आर दिस? टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री. तो लिखो 3 कहाँ है आपकी स्केच पेन? यहाँ लिखते हैं, इक्वल टू के बाद लिखते हैं. 2 + 1 इक्वल टू, दिस इज द साइन ऑफ इक्वल टू, इक्वल टू 3. ओके, नाउ हाउ मेनी स्टार्स आर दिस येलो स्टार्स? 1, 2, 3 प्लस मोर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2. कितना? 5. अरे वाह, लिखो फिर. उस तरफ, उस तरफ बेटा, उस तरफ होता है 5 में. बिग हैट, शॉर्ट नेक, बिग बेली इज द नंबर 5. गुड. विच वन हटाओ आप, नेक्स्ट कौन सा है? ड. ड है, ध्यान से देखो. ट. गुड. ट. फिर नेक्स्ट, इसके पीछे टमाटर और इस पे गोट. गोट को हिंदी में क्या कहते हैं? पढ़ो. Yes. पढ़ो, लिखा है. ब क ब क म बकरी. बकरी. हाँ. और टमाटर. हाँ. नेक्स्ट वाला कौन सा है? ना. ना के पीछे क्या है? नल. नेक्स्ट कौन सा है? सा. सा के पीछे क्या है? सब्जी. ओके, सो हो गया है हमारा छोटा सा सेशन, कुछ खास नहीं किया, बट स्टिल इट वॉज अ लिटल कंस्ट्रक्टिव. यानी पूरे दिन इधर उधर भागता रहे, उससे अच्छा है कि थोड़ी देर बैठ के कुछ कर ले. और अब लाइक आई मैंशनड, द गाय हु वाज सपोज टू कम एंड बाय द कार हैज़ कम टू पिक इट अप. एक्चुअली क्या होता है, दिल्ली NCR में आपको डीजल वाली जो कार होती है वो मैक्सिमम 10 साल रखने मिलती है, आफ्टर दैट वो स्क्रैप में चली जाती है. यू नॉट अलाउड टू यूज़ अ कार विच इज़ मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड. तो हमारी कार को ऑलरेडी 8 साल हो गए, तो वी थॉट कि अगर हमको निकालनी है, एज इन बेचनी है, तो इट्स अ गुड टाइम टू डू इट राइट नाउ, क्योंकि उसके बाद कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी उसकी. सो एकदम ही हम लोग ने लास्ट वीक ही हमारे दिमाग में ख्याल आया कि 8th ईयर शुरू हो गया है और इंश्योरेंस रिन्यू होने वाला था, तो वी थॉट कि इट्स बेटर के पहले इसको हटा
जाते हैं. वी हैव ऑलरेडी बुक्ड अनदर काम जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, सो वी गोइंग टू बी कारलेस फॉर सम टाइम. बट या चलो अभी चलते हैं इसको बाय कहने. तो ज़्यादा दुखी है इस चीज़ से अथर्व, यानी ही इज लिटरली थ्रोइंग फिट्स के नहीं मुझे नहीं बेचनी अपनी कार. बट या वी आर गोइंग टू कन्वेंस हिम. बाय बाय कार, कर दो. फिर से बोलो बाय बाय कार. चलो आ जाओ. डर जाती है तो अच्छा, इट्स ओके इट्स ओके.